सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मनजीत कोथ आज अपने ही गांव में हाँ और मेरे सामने देखने लग रहे हो समाज सेवी एक शिक्षक है। शिक्षक की बात करें तो मोमबत्ती की तरह जला है और रोशनी देवा है, यानी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। एक और बड़ी बात है जो प्रकृति को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करके बहुत सी त्रिवेणी लगाई मास्टर जी ने। आज फिर कुछ नया मुद्दा ले गया कि कुछ है, एक हमने बैनर देखा था उस पर HCS HPS IAS बहुत से बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर है, जो एक प्रोग्राम रखा गया उसमें पहुंचेंगे। मास्टर जी ने पूछेंगे किस तरह का के प्रोग्राम है और एक वातावरण लेकर पर्यावरण लेकर के कुछ चल रहा है, क्योंकि फ्लोरोकार्बन की बात करा तो जो प्रकृति है प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान हो ला रहा है। रेफ्रिजरेटर या फिर AC की बात करा बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती जान लग रही है, सांस लेने में दिक्कत होती जान लग रही है, तो मास्टर जी उस पर किस नजर से देखा है? मास्टर जी राम राम। राम राम जी आपको, राम राम मनजीत जी, गजब हरियाणा चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। धन्यवाद मास्टर जी। के कुछ प्रोग्राम है, देखो हमने एक बैनर देखा था उस पर HPS HCS बड़े बड़े अधिकारी फोटो भी थे। ये मनजीत जी क्या प्रोग्राम है, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और इस मूवमेंट में हरियाणा प्रदेश के लगभग 100 गांव से अधिक बड़े गांव में हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे। उसी कड़ी में जो आपका और मेरा जिस नगर में जन्म हुआ है उसके पास और उसका ही अपना गांव खेड़ी चोपटा मैंने चुना है, हम लोग वहां अपने बारह खाप का गांव है उस गांव में पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। पर्यावरण दिवस में मनाने में विशेष जो अपना टारगेट यही रहेगा कि पर्यावरण के प्रति बच्चों को और सामाजिक लोगों को जागरूक किया जाए। इसके साथ टारगेट रहेगा कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं ग्रामीण अंचल के उनको प्रोत्साहन के रूप में उनको सम्मानित किया जाए और वो यूं ही प्रतिभा उनकी निखरती रहे और यूं ही इस गांव का नाम, इस एरिया का नाम, इस जिले का नाम रोशन करते रहे। मास्टर जी एक कड़वी बात से, 5 जून को पर्यावरण दिवस आवे है, मनाया भी जा, बड़े सत्र में मनाया जा, नेता मंत्री बड़े बड़े अफसर भी मनाओगे, लेकिन क्या उसका प्रभाव पड़ा है, क्यों मतलब कुछ जागरूकता आवे है, आपने पूछना चाहूंगा। मनजीत बड़ी स्टिक बात करते हो और इस बात के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा लाडला मनजीत आज हिंदुस्तान में इसकी वीडियो देखी जाती है। वो इसलिए देखी जाती है कि ये बड़ी स्टिक बात कहता है और स्टिक बात ही लेता है। ये बात सत्य है कि प्रोग्राम किए जाते हैं लेकिन प्रोग्राम केवल प्रोग्राम तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन अपनी जो पहचान है, आपकी और मेरी पहचान है, वो केवल और केवल मेहनत की पहचान है। जब आप जोगेंद्र संधू को पर्यावरण से जोड़ के देखोगे तो तपती धूप में जून की उस गर्मी में जहां मेवात के अंदर कसी नहीं चल रही थी, जहां मिट्टी को खोदा नहीं जा रहा था, उस समय एक एक किलोमीटर से पानी ले लेके लोगों ने त्रिवेणी लगाई थी। तो प्रोग्राम निश्चित है और प्रोग्राम केवल प्रोग्राम नहीं रहेगा, जमीनी मेहनत पे त्रिवेणियां लगेंगी, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे आप जैसे मेरे लाडले हो, सभी काम करेंगे। ये अपना एक ब्रांड है जोगेंद्र संधू और ये गांव के नौजवान एक ब्रांड है, जो प्रोग्राम करते हैं उसको निभाते हैं और बेहतर रूप से निभाते हैं। मास्टर जी देखो जोगिंदर संधु का नाम लिया आपका मतलब उसमें अपनी गाड़ी भी आएगी, आपने अपनी गाड़ी भी मतलब पेड़ पौधे रखे वो भी गंदे करे, आपने खूब मजदूर की तरह मेहनत करी है, हमने खुद देखा है, लेकिन आप अकेले लग रहे थे, कुछ मुहिम जुड़े आपके साथ में, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपने। हाँ मनजीत, पिछली बार क्या था, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी पूरे जून, मजदूर की तरह लग रहे थे आप बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो हम किसान मजदूर के घर पैदा हो रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मजदूर तो जब खेत का काम घर का काम सारा हम करते हैं, लेकिन उसमें क्या था, मुझे लगा कि वो टारगेट मैं ऐसे अचीव नहीं कर पाऊंगा अकेला मेहनत करके। अब की बार मैं इसी लिए सभी अधिकारियों से संपर्क कर रहा हूं, पूरे प्रदेश के अधिकारियों से संपर्क कर रहा हूं, और रही बात जो संसाधन है वो हरियाणा की पंचायतों के पास ज़्यादा अधिकार है, और शहरों में तो इतने पौधे लग नहीं पाएंगे, गांव में ही लगने हैं, पंचायती जमीन भी हैं या तालाब और भी सारी चीज़ें, तो सरकारी आदेश को फॉलो करते हैं सरपंच, लेकिन सरकारी आदेश का और पंचायतिक भाईचारे के आदेश का बड़ा फर्क है। अब की बार भाईचारे के आदेश के माध्यम से एक अपने लाड के माध्यम से हम लोग सरपंचों को शामिल करेंगे, और विशेष तौर पे चाहे समायण के गिल साहब हों सरपंच, एसोसिएशन के प्रधान, चाहे हमारी संतोष बेनीवाल दड़बा की सरपंच हों, चाहे
आसपास के वर्तमान सरपंच मां सिंह संधु हो या खापड़ गांव के मनोज छांगवान जी हो, चाहे मास्टर जी छोटी, मतलब हर सरपंच को हम ले रहे हैं और उनके सहयोग से, और एक विशेष तौर पर अधिकारी अधिकारी जो DSPs हैं, जो SCS अधिकारी हैं, वो एक जुम्मेवार अधिकारी हैं, उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इस चीज़ को अमली जामा पहनाएंगे। किस तरह रहेगा प्रोग्राम में, फिर क्या कुछ रहेगा इस प्रोग्राम में 5 जून को? जो प्रोग्राम 5 जून को, निश्चित रूप से प्रोग्राम की रूपरेखा यही रहेगी, पर्यावरण को जागरूक करने की, और हमारे जादूगर भी पर्यावरण संबंधित चीज़ें लेके आएंगे, और हरियाणवी कलाकार हैं जो, वो भी पर्यावरण को जागरूक करने का जो अपना योगदान दे पाएंगे वो मूवमेंटें भी रहेंगी, और विशेष रूप से सम्मान भी किया जाएगा, जिम्मेवारी लगाई जाएंगी, और वहाँ सांझे रूप से हम लोग बैठ के, अधिकारी भी, पंचायती लोग भी, सामाजिक लोग भी, ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, वहाँ हम सहमति जताएंगे कि कितना टारगेट रखेंगे, उसी आधार पर फिर पूरी जून काम करेंगे, आप और हम लग के संघर्ष करेंगे। मास्टर जी एक और कड़वी बात है, जो ये वीडियो देखने लग रहा है, मनजीत कोत कुछ बोल लो, मास्टर जोगिंदर संधू जी कुछ बोल लो, लेकिन आने वाले अगले साल में, मतलब 10 साल में 20 साल में, जो अगर पेड़ पौधे अब नहीं लगाएं तो आगे जाएगा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, के इलाका है कितना, मतलब कितने दिन में कितने साल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, नुकसान होने लग जाए, बीमार पड़ने लग जाएंगे। मनजीत, प्रकृति का एक अपना नियम है, एक अपना सिस्टम है, और ये बड़ी कड़वी नहीं मैं कहूँ सत्य बात है, अगर इसी पैटर्न पे रहे, लोग अपने स्वार्थ तक निहित रहे, तो समाज के लिए तो घातक है ही है, स्वयं जिनको लगता है ना हम बेस्ट जी लेंगे, वो भी बेस्ट जीना दुब्बर हो जाएगा, समाज के साथ जो है ना वो नहीं है, समाज में जुड़ के और सामाजिक काम के साथ जो बेस्ट चीज़ें हैं और जो बेस्ट प्रकृति का आनंद है, वो मुझे नहीं लगता कि चकाचौंध में, आधुनिकता में, और ऐसे विचार जिनके ऊपर आपने कटाक्ष किया है कि वो शायद ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि मास्टर जी को तो बस एक धुन चढ़ी है, मनजीत को भी एक धुन चढ़ गई कि पर्यावरण को बचाना है, लेकिन सब लोग नहीं बचाए, लेकिन ऐसा नहीं है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, मुझे भी यही लगता था मनजीत, तब मैंने छोटा टारगेट रखा था, लेकिन लोगों ने मेरा इतना समर्थन दिया, लोगों ने इतना साथ दिया, मतलब अच्छे लोग हैं समाज में, और उन्हीं के बलबूते प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ जो बच्चे हैं माइट वेस बिहारी उनके, तो उनको लिए क्या कुछ प्रोत्साहन रहेगा मास्टर जी, कुछ सम्मानित कराया जाएगा? हाँ, उनको निश्चित रूप से सम्मानित भी किया जाएगा, और आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है कि कई बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, और उनके लिए भी मैं एक अपने प्रोटोकॉल में एक सिस्टम बना रहा हूँ कि वहाँ जब मौजूदा लोग आएंगे तो उनको बताया भी जाए, और किसी रूप से भी मदद हो, या उनके चाहे एडमिशन की बात है या और एजुकेशन संबंधित बात है, तो एक प्रोटोकॉल ये चलाना मैं चाह रहा हूँ, ताकि उन बच्चों की भी मदद हो जाए और समाज को अच्छा मैसेज भी चला जाए, और जिन लोगों पे संसाधन है वो क्यों ना संसाधन सब में बांटें। मास्टर जी अब तक कितनी त्रिवेणी लगा दी आपने, क्योंकि लग रहे हो लगातार? अपन पिछले साल 3500 त्रिवेणी लगभग लग चुकी हैं, और अब का जो मूवमेंट आप शुरू करांगे, वैसे जन्मदिन है या कोई और छोटे मोटे मूवमेंट है, वो पौधारोपण होता रहता है, मेरे भी संपर्क में लोग रहते हैं, फोन आते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन 5 जून से इसकी गति को बढ़ाया जाएगा। शेड्यूल किस तरह रहो, किस तरह लगाओ, मतलब स्कूल की छुट्टी के बाद या फिर एप्लीकेशन देगा छुट्टी ले जाओ शिक्षा विभाग? छुट्टी का भी ऐसा नहीं है, मैंने पीछे जुलाई में लेनी पड़ी छुट्टियाँ कुछ, लेकिन अब तो जो जून के महीने में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी यूँ मानते हैं कि हम शिमला जाएंगे, हम लोग मनाली जाएंगे, हम लोग गोवा जाएंगे, ये आपका भाई तो तपती धूप में उन गांव में, उन गली गली में, उन तालाबों पे जाएगा जहां ये लगेगा कि यहां पौधे की आवश्यकता है, यहां त्रिवेणी की आवश्यकता है, यहाँ बड़ की आवश्यकता है, नीम की आवश्यकता है, तो वो पूरा महीना सरकार मुझे एक महीने की छुट्टी देगी, उसमें जो ऑनलाइन काम होंगे वो मैं रात को या जैसे करूँगा, और उसके बाद कैपेसिटी अपनी 12-13-14 घंटे की काम करने की है, क्योंकि आप एक अब रात को कणक भी निकाल सका हाँ, गेहूँ भी काट सका हाँ, तूड़ी भी डो सका हाँ, और सारे काम कर सका, रात वाले भी कर सका, दिन वाले भी कर सका हाँ, वो आप एफर्ट्स ऐसे ही करेंगे। मास्टर जी कई बार देखा है 112 वाले नहीं हुए हैं, ये छोटे छोटे पेड़े तड़ा लाए रखा है, मतलब अच्छे पेड़े हो जाए शायद ये ठीक खड़े हो जाए,
112 टीम है नहीं, छोटे छोटे पेटिया तले लाए पाऊंगा, शाम की कमी हो रही है। बिल्कुल, लोगों ने बाई कर गाड़ी खड़ी करने वो नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो वो सारे पौधों को कटवा देते हैं, अपने अपने सिस्टम में कर लेते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता कुछ भी। और लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो बीड़ा उठाया है, लोगों को जागरूक भी करेंगे, पौधे भी लगाएंगे और त्रिवेणियां बड़ी फलेंगी फूलेंगी जब तक सारी चीजें बेस्ट रहेंगी। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद आपके चैनल को। तो मास्टर जी से बातचीत करी है और बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो वो आगे का क्या कुछ रहेगा, कितने त्रिवेणी और लगाएंगे वो भी वीडियो जरूर दिखाऊंगा, और जो प्रोग्राम 5 जून का रखा गया है वो भी प्रोग्राम हम जरूर दिखाऊंगा। तो मास्टर जी के विचार अब आपका के कुछ कहने, सब कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।